पुलिस अधीक्षक अमित कुमार निर्देशन के ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना करेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लगभग 8 लाख रुपए कीमत की 40 किलोग्राम अवैध गांजा सहित उड़ीसा के दो तस्कर गिरफ्तार। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन पर जिले में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त सक्रिय अपराधियों की सख्ती से कार्रवाई करने हेतु ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा था, जो कि थाना प्रभारी को जिले में अवैध मादक पदार्थ का विक्रय और परिवहन के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने पर सख्त निर्देश दिए गए थे। की सूचना के अनुसार दिनांक 7/10/2023 को दो व्यक्ति NH 44 स्थित रकई रोड पर बने ओवर ब्रिज के नीचे बड़ी मात्रा में अवैध गांजा लेकर आने वाले थे, जो कि किसी ग्राहक को बेचने की फिराक में थे। सूचना प्राप्त होते ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उपरांत पुलिस की टीम इन आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु मुखाबिर के बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई, जिन्होंने पुलिस टीम को देखकर भागने का भी प्रयास किया, जिन्हें हिकमत अमली के साथ पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी जाकर रोका और गिरफ्त में लिया। अवैध गांजे की तस्करी में लिप्त